पहचान छोटी ही सही, पर तू एक बार बना तो सही, काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू एक बार अकेला चल तो सही। जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल जीके बर्नर पे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले सावन माह के प्रथम सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी प्रकार से आपको भोलेनाथ का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और सदा आपको खुश रखे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2022 के बारे में, कि क्या कब भर्ती आ सकती है और क्या इसके लिए न्यूज है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 15 जुलाई को ही अभी एक ट्विटर पे ट्वीट किया था एक भर्ती के लिए, जो कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अभी स्क्रीनशॉट मोबाइल का, जो ये देख लीजिए आप यहाँ पर। तो उन्होंने क्या सौगात दी है कृषि विद्यार्थियों को, तो ये निम्न प्रकार से उन्होंने बताया कि कृषि विभाग में कृषि सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु समवर्ग के पदों के पुनर्गठन और सृजन को मंजूरी दी। अतिरिक्त निदेशक के 11 पद, संयुक्त निदेशक के 18 पद, उपनिदेशक के 21 पद और सहायक निदेशक के 25 पद वे सहायक कृषि अधिकारी डबल एओ के 201 पद नवीन सृजित होंगे, और साथ ही वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के नवीन पद का सृजन कर 2500 कृषि पर्यवेक्षकों के पदों को क्रमोन्नत करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। मतलब कि उन्होंने सहायक कृषि अधिकारी के 201 नए पद सृजित किए हैं, और वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक यानी कि जो पहले कृषि पर्यवेक्षक हुआ करते थे उन्हें केवल कृषि पर्यवेक्षक ही कहा जाता था, अब उसमें भी एक और नया पद ऐड कर दिया है, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक। क्योंकि पहले कृषि पर्यवेक्षकों का किसी प्रकार से कोई प्रमोशन नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने मांग उठाई कि हमारा भी प्रमोशन हो। तो उन्होंने गहलोत जी ने ये वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के नए पद सृजित किए, कितने, 2500 कृषि पर्यवेक्षकों के नवीन पद सृजित किए हैं और उनको क्रमोन्नत करने की सिद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2500 पद तो अपने कृषि पर्यवेक्षकों के खाली हो जाएंगे इस बार, जैसे ये वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक बन जाएंगे तो 2500 पद तो ये खाली हो जाएंगे और बाकी भी कुछ पोस्टें खाली पड़ी है, तो कुल मिला के 2500 पद तो इस बार भर्तियां आने वाली है कृषि पर्यवेक्षक की, प्लस कुछ पोस्ट और अभी भी बाकी पहले की खाली है, उनको मिला के कुल 2500 से लगभग 2800 से 3000 के लगभग इस बार कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी आपके यहाँ आएगी। दोस्तों, ये न्यूज थी जो कि गहलोत जी ने बताई थी ट्विटर के माध्यम से। तो दोस्तों, अब कभी भी इस भर्ती का नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड जारी कर सकता है, तो आपको अपनी तैयारी को प्रारंभ कर देना, क्योंकि पिछली बार की तरह ही कम टाइम मिलेगा, तो क्या पता, कोई पता नहीं है कि भर्ती जल्दी भी आ सकती है और थोड़ी बहुत लेट भी हो सकती है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ही कम टाइम मिला था तैयारी करने के लिए। तो आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए, और जितना मैं सपोर्ट कर सकता हूँ उतना मैं आपको पूरा पूरा सपोर्ट करूंगा। तो दोस्तों, आपको अभी आज से ही इस चैनल पे कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करवाई जाएगी, और रेगुलरली आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेंगे जो कृषि पर्यवेक्षक का संपूर्ण कोर्स इस चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।